गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं आशी मित्तल ब्रेन मेकर कोचिंग क्लासेस इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तुहाडा स्वागत करता। आज स्टूडेंट्स आपां 2013 जिहड़ा अपना एग्जाम होया सी 2013 दे विच जून वाले विच, दो देखो 2013 दे विच दो बार एग्जाम होया, एक बार जून दे विच एक बार दिसंबर दे विच। तां दिसंबर वाला आपां ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अज आपां डिस्कस करांगे 2013 वाला जो पेपर है 2013 दे विच किस तरह के क्वेश्चन आए। तो क्वेश्चन नंबर वन टाइम वेस्ट ना करते हुए आप डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हू सेड दैट कॉग्निशन इन द सेंटर ऑफ इमोशंस एंड मूव टूवर्ड्स इट। किसने कहा सी ये गल कि जरा संज्ञान भावनावां दे केंद्र विच हुंदा है। देखो इन्हां डेफिनेशंस है कि केड़ी गल किने कही, तुहानू डेफिनेशन जां तां याद करनियां पैणगियां कि केड़ी गल किने कही है, ठीक है। तो जी ये की कर सकते हो, ये इज़म याद कर सकते हो, की कर सकते हो, इज़म याद कर सकते हो कि मैं इज़म पहला करवा चुका है, तुम ए कुछ चांसिस है कि तुहाडा क्वेश्चन सही हो जाए। तो यह आंसर है, डेफिनेशन याद करनी पड़ेगी, यह गल किने कही सी स्केचर ते सिंगर, यह गल तुम याद करनी पड़ेगी, ये डेफिनेशन कितों दी गई सी, ए ऑप्शन कि बच्चे ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर टू, What among the following alternatives is not, देखो not वाली गल नूं बड़ा ध्यान नाल समझा करो, is not used to recognize the special need। special need कहते हैं जिन्हों आपां children with special needs कह रहे हैं, ठीक है, कि केड़ा alternate नहीं हैगा। तो देखो social status of the parents, कि माता पिता status की है, ये तो कोई है नहीं वैसे, ठीक है। anecdotal record के अंदर overall record रख रहे हैं, ठीक है, स्पेसिफिक क्या एक्टिविटीज है और रिकॉर्ड रख रहे हैं, ये तो हो सकता है। इंटरव्यू का पैटर्न, इंटरव्यू ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स की आप इंटरव्यू बिल्कुल कर सकते हैं। पैटर्न ऑफ बिहेवियर, किस तरह का बिहेवियर का पैटर्न है, बिल्कुल आप यदि गल कर सकते हैं। पर ये सोशल स्टेटस ऑफ द पेरेंट्स, सोशल स्टेटस ऑफ द पेरेंट जी गल है, ये अपन ज़्यादा नहीं वधिया लग रही। तो आंसर की आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। फिर किया जाएगा कि माता पिता का कितना इकोनॉमिक स्टेटस हैगा है, उहदे नाल की मतलब है बच्चे, ठीक है। पेरेंट्स इंटरव्यू तुसीं कहोगे, पेरेंट्स इंटरव्यू क्यों जरूरी है, ठीक है, क्यों जरूरी है, ताकि मैनूं पता लग सके कि जी बच्चा बच्चा किस तरह का है, बच्चे नूं की प्रॉब्लम्स है, हर एक चीज़ का, ठीक है, बिहेवियर का पैटर्न भी सानूं पता करना पएगा। तो इस करके आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन। द क्वेश्चन नंबर थ्री, Which among the following is not similar to proof of intelligence and heredity effect? मतलब केड़ी चीज हैरिडिटी ते इनवायरमेंट दे इफेक्ट नू प्रूव नहीं करदी, ठीक है। तो देखो अडॉप्टेशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज आ गया तो बिल्कुल कर रही है जी हैरिडिटी ते इनवायरमेंट। सिमिलर स्टडीज बिल्कुल कर रही है जी, फॉरवर्ड स्टडी, पर क्लीनिकल कदे भी नहीं कर रहे बच्चे, क्लीनिकल स्टडी कदे भी इस चीज़ को प्रूव नहीं कर रही इंटेलिजेंस ते हेरिडिटी नू। इस करके आंसर की आ जाएगा, आंसर आ जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फोर, अ टीचर वांट्स टू एस्टीमेट द क्रिएटिव, देखो क्रिएटिव एबिलिटी आ गया, तो वर्ड तुहानू क्या सीगा, डाइवर्जेंट, फ्लैक्सीबिलिटी, ओरिजिनैलिटी देखते हैं आप ऑफ द स्टूडेंट्स, दैन शुड मेक, तो बनाना चाहिए है, की करना चाहिए, एन ऑर्गनाइज्ड वर्क विच शुड बी कंप्लीट इन फिक्स टाइम, फिक्स टाइम खत्म हो जाए, नहीं नहीं जी फिर तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, ये तो कन्वर्जेंट थिंकिंग होगी, ठीक है, जिहड़ा कि गलत है। एन ऑर्गनाइज्ड वर्क विच शुड बी कंप्लीटेड ऑन इंडिविजुअल स्पीड, इंडिविजुअल की स्पीड से जिहड़ा है खत्म हो जाए, ठीक है, चलो देखते हैं, कोई गल नहीं, क्वेश्चन मार्क रखते हैं। अंडर द प्लानिंग एवेलुएशन फ्लैक्सीबिलिटी इन वेरिएशन, ओपन एंडेड फ्लैक्सीबिलिटी वर्ड आ गया, ओपन एंडेड वर्क आ गया, मतलब डाइवर्जेंट थिंकिंग आ गया, तो बेटर ऑप्शन हो सकता है, देखते हैं। बेस्ड ऑन एक्सेप्ट रिजल्ट, रिजल्ट की फ्लैक्सीबिलिटी का बच्चे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो रिजल्ट वर्ड आ गया तो रिजल्ट ना कोई मतलब नहीं है, बेटर दे विच आंसर की आ जाएगा जी, आंसर आ जाएगा सी ऑप्शन, आंसर की आ जाएगा सी ऑप्शन जो है वो ज्यादा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ क्रिएटिव अप्रोच मैथड, तो क्रिएटिव दे विच देखो क्रिएटिविटी दे विच आपां यूज की करते हैं कि अलग अलग तरीके दे नाल बच्चा काम नूं करे, क्रिएटिविटी दे विच आपां गल करते हैं,
ब्रेनस्टॉर्मिंग मेथड। ठीक है, हुन है नहीं, देख दिया। एब्सेंस ऑफ पेपर पेन, एब्सेंस वर्ड आ गया, नेगेटिव आ गया, चक दो। नो एवेल्युएशन, कोई एवेल्युएशन अगर उसके अंदर गलत। एवेल्युएशन अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स। डिमांड क्यों, बच्चे की डिमांड के अकॉर्डिंग क्यों? सेल्फ एवेल्युएशन एंड कॉग्निशन बाय स्टूडेंट्स। तो बच्चे सेल्फ एवेल्युएशन की गल आ रही है, कॉग्निशन की आ रही है, तो बेटर ऑप्शन के विच आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6, विच अमंग द फॉलोइंग कॉग्निशन प्रोसेस इज टोटली करेक्ट एंड श्योर द अबिलिटीज। केड़ा बिल्कुल सही है ते श्योर कर रहे हैं किसी दी अबिलिटीज नु। हुन असिमिलेट ना कर दियो, क्योंकि असिमिलेट श्योर नहीं हुंदा, बच्चा गलती भी कर दे अंदे विच। मैं क्या सी ना कि बच्चा डॉग नु देख के, डॉग नु देख के की कह रहा है, कैट कह रहे हैं, गलती कर रहे हैं, गलत हो गया कंसेप्ट, समझ गए। टू रिसीव अगेन, दोबारा रिसीव करना कोई मतलब नहीं। चंकिंग का बच्चे मतलब की हुंदा है, चंकिंग का मतलब मैथ दे वर्ड चंक तो बने। ठीक है, चंक मतलब टोटे की हुंदा बच्चे, टोटे मतलब पूरे शब्द नु टोटियां च वंड लेना। जिवें मैं तुहानू कहां वर्ड हैगा डिसमॉर्फिक, मैं टोटे वंड लिया डिसमॉर्फिक, उन्हें इकट्ठा कर दूंगा। तो चंकी मतलब टोटे वंडना, इन्हें भी चंकिंग का कोई मतलब नहीं। तो आप की करांगे टू प्रोवाइड कोड, तो वो एग्जैक्ट देखो हुण आप कोड दिता होया पीबीटी वर्ड ना पीबीटी, तो सानू देख के पता लग जाना मुक्सर आ गया जी, PB22 सानू पता लग गया जी फाजिलका है। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੋਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਬੱਚੇ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਟੈਟ ਪਾਸ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੁੱਕਸ ਨਾ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰਾਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲਾਈਕ ਮੰਗ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਵਿੱਚ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਖਿਆਤਮਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਸਿਧਾਰਥ ਗੋਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਥਮੈਟਿਕਸ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਤਾ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਹੈ? ਸਮਰ ਡਿਡ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਬਿਫੋਰ ਹਿਜ਼ ਕਲਾਸਮੇਟਸ। ਸਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਿਡ ਸਾਇੰਸ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਵਨੀਤਾ ਮਾਰਕ ਆਫ ਟੈਸਟ ਵਾਜ 75% ਮੋਰ ਦੈਨ ਹਰ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਕੀ ਕਲਾਸਮੇਟਸ ਤੋਂ 75% ਵੱਧ ਆਏ ਬੱਚੇ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਨੈਕਸਟ, ਵਿਭਾ ਗੇਵ 8 ਕਰੈਕਟ ਆਨਸਰ ਆਊਟ ਆਫ 10। ਦੇਖੋ ਪੂਰੀ ਡਿਟੇਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ 10 ਕੁਸ਼ਚਨ ਪੁੱਛੇ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵਿਭਾ ਨੇ 8 ਕੁਸ਼ਚਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਬੜੇ ਕੁਸ਼ਚਨ ਆਏ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਖੋ, ਵੈਨ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਅਰਾਈਜ਼ ਦੈਨ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਇਜ਼। ਕਿ ਜੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਅਰਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ? ਫਲੈਕਸੀਬਲ, ਤਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮਿਸਗਾਈਡ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਿਊ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ? ਅਨੈਲਿਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਅਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੋਵਾਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ, ਅਨੈਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ, ਟੋਟਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਸ਼ਚਨ ਬੱਚੇ, ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 9, ਬਿਫੋਰ ਰੀਚਿੰਗ ਐਟ ਦ ਐਂਡ ਟੂ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਦ ਵੱਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਚੋਣ, ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ, ਕਿਸ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਡਾਈਵਰਜੈਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁਸ਼ਚਨ ਉਸ ਬੇਸ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਪਰੈਡ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਸਪਰੈਡ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਬੈਰੀਅਰ, ਨਾਨਾ ਅਚੀਵਮੈਂਟ, ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜੇ ਐਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਪਾਂ ਅਲਟਰਨੇਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 10, ਵਿਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਕਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੇਕ ਬਰਥ ਓਨਲੀ ਵਰਡ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਥਰੂ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਟੇਕ ਬਰਥ ਥਰੂ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ, ਹੁਣ ਓਨਲੀ ਆ ਗਿਆ, ਓਨਲੀ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਨੋਟ।
ਤਾਂ ਚਲੋ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਗਲਤ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਚੀਜ਼। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟੀਨਿਊ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੰਟੀਨਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੇਸਡ ਔਨ ਏਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਦਆਊਟ ਏਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਅ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਨੋਟ ਪੁੱਛਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਵਰਡ ਆਇਆ ਪਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਗਲਤ ਹੋਊਗਾ, ਗਲਤ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 11, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰੇਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਤਾਂ ਬੱਚੇ, ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਵਿਜ਼ਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਇੰਪੇਅਰਮੈਂਟ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਲ ਲਿਪੀ ਰਾਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਉੱਭਰਵੇਂ ਹੋਏ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਭਰਵੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 12, ਇਨ ਦਾ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਹੂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਦੇ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਆਂਸਰ ਲਗਾ ਦਿਓ ਗਾਰਡਨਰ, ਗਲਤ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼, ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੈਸ਼ਲਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਵੈਸ਼ਲਰ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ, ਵੈਸ਼ਲਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕੰਸੈਪਟ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਿਨੇਕੋਨ ਹੈ, ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਟੈਸਟ ਬੋਲਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸਟਰਨਬਰਗ, ਜਿਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇਆਰਕੀ ਥਿਊਰੀ, ਜਿਹਦੀ ਥਿਊਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਇਆਰਕੀ ਥਿਊਰੀ। ਸਟਰਨਬਰਗ ਨੇ ਗਾਰਡਨਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 13, ਫਾਰਮੇਟਿਵ, ਦੇਖੋ ਸੀ ਸੀ ਈ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸੀ ਸੀ ਈ ਵਿੱਚੋਂ ਟੋਪਿਕ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਐਂਡ ਕੰਪ੍ਰੀਹੈਂਸਿਵ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਵੈਲ ਥਰੂ, ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਤਾਂ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਦੁਆਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਵਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਐਨੂਅਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਮੇਟਿਵ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੁਮੇਟਿਵ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੁਮੇਟਿਵ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਨਲ ਐਗਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਤੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਫਾਰਮੇਟਿਵ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 14, ਵਿੱਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਇਜ਼ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ। ਦੇਖੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਤਾਂ ਜੌਨ ਡੇਵੀ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਅਲਟਰਨੇਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ, ਅਲਟਰਨੇਟ। ਦੇਖੋ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਸਿਟਿੰਗ ਪਲੇਸ, ਚਲੋ ਫਲੈਕਸੀਬਿਲਿਟੀ ਵਰਡ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸਿਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਖਰਾਬ ਕਰਤਾ। ਲੈਸਨ ਸੈਂਟਰ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਆਫ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ, ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਆਂਸਰ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਂਸਰ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਅਵੈਲੂਏਸ਼ਨ, ਇਹ ਅਲਟਰਨੇਟ ਆ ਉਹਦਾ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 15, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਰਨਰਸ, ਆਈਡੈਂਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਲਰਨਰ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਲਡ, ਵਿੱਚ ਅਮੰਗ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਕੈਨ ਨਾਟ, ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਆਹ ਵਰਡ ਦੇਖੋ, ਕੈਨ ਨਾਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਲਰਨਰ, ਕਿਹੜੇ ਲਰਨਰ, ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਲ। ਸਮਝ ਗਏ, ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਲ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈ ਐਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਲੈਕ ਆਫ ਪੂਅਰ ਹੈਂਡ ਰਾਈਟਿੰਗ, ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਡਿਸਗ੍ਰਾਫੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੈਕ ਆਫ ਮੈਮਰੀ ਆਪਾਂ ਐਮਨੀਸ਼ੀਆ ਜਾਂ ਡਿਸਨੋਮੀਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਆਈ ਹੈਂਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਡਿਸਪ੍ਰੈਕਸ਼ੀਆ, ਠੀਕ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਈਪਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈਪਰ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏ ਡੀ ਐਚ ਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਡਿਸਆਰਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੀਜ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲਰਨਿੰਗ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਆਂਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ, ਆਂਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 16, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਲਰਨਿੰਗ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਕਿਉਂ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਟ ਹੈਲਪ ਟੂ ਸ਼ਾਰਪ ਦਾ ਮੈਮਰੀ ਆਫ ਲਰਨਰ, ਕਿਉਂ, ਦਿਮਾਗ ਕਿਵੇਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦੂਗੀ। ਹੈਲਪ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨ ਦਾ ਨਿਊ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਨ ਓਲਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਨਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਔਰ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇਗੀ। ਹੈਲਪ ਟੂ ਥਿੰਕ ਵੇਰੀਅਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਟੂ ਲਰਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਟ ਹੈਲਪ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇੰਟਰਸਟ ਇਨ ਲਰਨਿੰਗ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖੋ ਬੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈਲਪ ਟੂ ਥਿੰਕ ਵੇਰੀਅਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਦੇਖੋ ਵੇਰੀਅਸ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਲਰਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ, ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਤਾ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵਾਕਈ ਸਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 17,
which is the cause of down syndrome. देखो down syndrome की होता है heredity तो होता है कितना होता है heredity तो होता है इन द विच की होता है बच्चे XX XY इन द विच अगर 21 pair है ये जाता double triple X बन जाता है या XXY की बन जाता बच्चे जाता triple X बन जाता है या की बन जाता है या बन जाता है XXY बन जाता है ठीक है 21st pair इन द विच की होता है बच्चे physical injury कारण फिजिकल इंजरी कारण ये नहीं होता फेस ऑफ एक्सरे एदे कारण भी नहीं होता बच्चे इंटरनल सोशल एस्पेक्ट्स एदे कारण भी नहीं होता अननैचुरल क्रोमोसोम तो याद रखियो एदे जो डाउन सिंड्रोम वाले बच्चा है एदे टोटल क्रोमोसोम टोटल क्रोमोसोम कितने होते हैं 47 एक बढ़ जाते हैं अंदर याद रखियो विच इज द एडिक्वेट डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज adequate definition of language relation in pre-estimate देखो भाषा संबंधी पूर्व अनुमान की सही परिभाषा केड़ी होएगी each thinking is different from language category क्यों अलग क्यों है क्यों अलग है आप लैंग्वेज के विच ही सोचेंगे लैंग्वेज कैटेगरी आर रिजल्ट ऑफ थॉट्स ऑफ इंडिविजुअल लैंग्वेज जिहड़ा हैगा है और थॉट्स रिजल्ट है थॉट्स का चलो देखते हैं Each thinking start for the language. बिल्कुल ठीक है जी हर एक thinking start होती है चलोगे Each thinking goes to language बिल्कुल गलत तो अभी categories गलत बच्चे answer किया गया C option better answer के हर एक language तो शुरू होती है अपनी thinking language होएगी ता ही thinking होएगी अपनी A test is valid देखो दो चीजें होती हैं एक होता है validity एक होता है reliability दो चीज़ होती हैं एक होता है वैलिडिटी एक होता है रिलायबिलिटी वैलिडिटी देखो की होता है वैलिडिटी का मतलब की होता है जो चीज़ जिस चीज़ नू मेजर करने लिए बनी है उससे चीज़ नू मेजर करे उन्हें बोलते हैं वैलिड या वैलिडिटी या इन्हें वैलिड टेस्ट भी बोल देते हैं या वैलिड टेस्ट इधर वर्ड आया ना वैलिड टेस्ट कह रहा है कि जो टेस्ट जिस चीज़ नू बनने लिए बनाया गया है उससे नू प्रूव करे दैट्स कॉल्ड वैलिड मतलब जे मैं परसनैलिटी टेस्ट बनाया तो थोड़ी परसनैलिटी नू ही मेजर करे ये नहीं कि थोड़ी इंटेलिजेंस दसी जाए एप्टीट्यूड दसी जाए नहीं वो वैलिड नहीं होएगा तो रिलायबिलिटी का मतलब क्या होता है कंसिस्टेंसी ऑफ द स्कोर कि थोड़े स्कोर लगातार कंसिस्टेंट आ रहे हैं थोड़े स्कोर लगातार जो है कंसिस्टेंट आ रहे हैं ठीक है तो याद रखियो जेकर कोई चीज़ वैलिड है और रिलायबल जरूर होएगी जेकर कोई रिलायबल है तो जरूरी नहीं कि वो वैलिड होवे या ना होवे तो डिड नॉट आ गया पहला नैगेटिव गया नो फेवर गया रिजल्ट गया आंसर किया गया बी ऑप्शन ही मेजर दैट विच ही प्रॉमिस टू मेजर मतलब जो जिस चीज़ नू मेजर करनी बनी है उससे नू ही मेजर करे क्वेश्चन नंबर 20 विच इज ट्रू अमंग द फॉलोइंग केड़ी चीज सही है इमोशन इनक्रीज अवर एजुकेशन इमोशन जो है एजुकेशन नू बढ़ावा देंगे चलो ठीक है देख लेने इमोशन टेक एजुकेशन इन नेचर गलत ये तो बिल्कुल कंसैप्ट है टेक एजुकेशन नेचर इमोशन डू नॉट गलत हो गया बच्चे इमोशन इनक्रीज अवर नेचर ऑफ एजुकेशन बच्चे बैटर दे विच आंसर की बन गया देखो आंसर ए भी बनता है पर मैं जो बैटर आंसर लगावा तो आंसर की बन गया कि नेचर ऑफ एजुकेशन ए आंसर डी आंसर सॉरी क्वेश्चन नंबर 21 देखो गिलिगन कौन सी जिन्हें कोहलबर्ग की आलोचना की थी जेंडर बायसनेस से जेंडर बायसनेस के उपर इन्होंने आलोचना की थी कि कोहलबर्ग ने जड़ा है जेंडर बायसनेस की है बॉयज गर्ल्स की गल की है पर सारा सैंपल जिन्हें भी 72 सैंपल है सब गर्ल बॉयज से तो मोरैलिटी ऑफ लव की गल नहीं की डिपेंडेंस ऑन ईच अदर की गल नहीं की न्यूट्रीशन की गल नहीं की इन्होंने गल का की है बच्चे मोरैलिटी ऑफ लुक आफ्टर याद रखना है कंसैप्ट इन्होंने गल का की है मोरैलिटी ऑफ लुक आफ्टर क्वेश्चन नंबर 22 Children have more knowledge of uses of mobile than their parents. So now parent depends on children to use the new mobile. Which situation is? देखो एक question किस तरह पूछ लिया कि एक ही है. देखो उन बच्चे नो अपनी mother अपने parents तो ज़्यादा mobile अंदर चलाना जिधे कारण parent dependent हो गए बच्चे के ऊपर था. ये बच्चे केड़ा socialization है? Backward socialization है. Forward का तो होंदा जब तो बच्चा पेरेंट्स तो सीखता हूँ पेरेंट्स बच्चे तो चाइल्ड तो सीख रहे हैं तो एक ही हो गया बैकवर्ड बैकवर्ड कंडीशन बैकवर्ड सोशलाइजेशन हो गया भाई मदा क्वेश्चन नंबर 23
रोहित हैज फेल्ड इन एग्जामिनेशन एंड ही इज मेक्स द एक्सक्यूज इट इज एग्जाम्पल ऑफ, देखो क्वेश्चन कितों पूछ पहुंच लिया उन्होंने, डिफेंस मैकेनिज्म। इतों पूछ लिया डिफेंस मैकेनिज्म जिहड़ा सिगमंड फ्रॉयड ने दित्ता है, पर उन्होंने क्वेश्चन की ऑप्शन बदलती हैं। तो सैल्फ एक्चुअलाइजेशन की गल देखो, जो मैं सैल्फ एक्चुअलाइजेशन की गल कर रहा है तो मैं अपना सारा कुछ सही कर लिया, ये तो गलत है। तो मैसरो ने गल की है सैल्फ कंट्रोल, कंट्रोल थोड़ा कर रहे हैं, एफिशियंसी थोड़ा बहाने मार रहे हैं, वो की कर रहे हैं नेचर टू इनक्रीज हिमसेल्फ, मतलब बहाना क्यों मार दें, ताकि मैं अपने मन को संतुष्टि दे सकता, ठीक है, अपने मन को संतुष्टि हो सके कि हाँ नहीं नहीं है ता नहीं होया ता इस करके होया, मैं अपनी गलती, मेरी कोई गलती नहीं है। आंसर क्या आ गया, बी ऑप्शन आंसर क्या आ गया। क्वेश्चन नंबर 24, स्टूडेंट ऑफ 8th क्लास ऑर्गेनाइज द यूनाइटेड नेशन असेंबली प्रोग्राम, इट इज एन एग्जाम्पल। अठवीं क्लास के बच्चे ने बच्चे एक यूनाइटेड नेशन असेंबली प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, एक आदि हूँ बच्चे स्कैफोल्डिंग एदन की गलत, ये कोई हेल्प वर्ड लिखे है, किसी ने हेल्प की, कोई टीचर ने सुजैस किया, कुछ नहीं, उन्होंने अपने आप किया, ठीक है। ट्रेनिंग फॉर क्लासमेट ये भी कोई मतलब नहीं, लर्निंग टोल्ड बाय टीचर गल ही नहीं कोई हुई, तो उन्होंने की किया बच्चे इस्टैबलिश कॉग्निशन, अपने दिमाग की वरतों करके कोई चीज़ का की किया इस्टैबलिशमेंट की। क्वेश्चन नंबर 25, डेवलपमेंट हैज फोर प्रिंसिपल विच आर फिक्स्ड एंड ट्रू एट एनी स्टेज ऑफ डेवलपमेंट विच इज नॉट, पूरी गल पढ़ लिया करो, कई बार एंड से लिख दो नॉट, केड़ी चीज सही नहीं हैगी डेवलपमेंट दे विच। हुण देखो तुसी ना इत्थे कन्फ्यूज ना हो जाओ कि सर इत्थे लिखता फोर प्रिंसिपल, तुसी तो बहुत ज्यादा प्रिंसिपल करवाए, तो प्रिंसिपल बहुत है, इन्होंने जस्ट नॉर्मली कन्फ्यूज करने लिखा है। तो फर्स्ट देख लो, happening of estimation is a stone way in development, बिल्कुल सही है, तो है ही है जी estimation आप करते हैं, तो ही तो कहने आप prediction, principle of prediction की गल की है, तो estimate आएगा ही, तो ये तो सही है, उन्होंने not पूछा तो काना मार दो। different stages of development, different stages of development बिल्कुल है, ये भी सही है जी, अलग अलग stages की गल करते हैं, तो ही तो अपनी debate होती है, nature nurture stage wise no stage wise growth and development are equal in every stage, क्यों इक्वल की में हो जाएंगे ग्रोथ डेवलपमेंट, ये तो गलत है, गलत है, तो वध घट भी सकते नेचर एंड नर्चर, नर्चर मतलब इनवायरमेंट, बोथ इफेक्ट डेवलपमेंट बिल्कुल ठीक है जी, तो जी गलत केड़ा है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन जी है तो गलत ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 26, एज अ सोशल हु इज टेकिंग द रोल ऑफ फैमिली सोसाइटी के तौर पर समाजिक एजेंट के रूप में कौन परिवार की भूमिका निभाता, बच्चे ना नेबरहुड लगा देंगे गलत, क्यों वो ये आंसर अदों आऊगा कहेगा परिवार तो बाद, फैमिली तो बाद कौन आंदा है नेबरहुड आंदा है, ठीक है, पर उन्होंने कहा सोसाइटी के कौन रोल अदा करता है परिवार तो बाद, पीयर ग्रुप करता है बच्चे, फ्रेंड सर्कल, कौन करता है फ्रेंड सर्कल, पीयर ग्रुप, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27, फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एनी टेस्ट द फर्स्ट स्टेप इज, सब तो पहले आप आइडेंटिफाई कर, तो पहला की करते हैं ऑब्जेक्टिव अपना क्या होगा आइडेंटिफिकेशन, ठीक है, तो डिसीजन ऑफ लेंथ थोड़ा देखेंगे, सब तो पहला मटेरियल थोड़ा देखेंगे, टोटल मार्क्स थोड़ा देखेंगे, आप करेंगे आइडेंटिफाइंग द एम ऑफ एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन, तो आंसर की बन जाएगा, बड़ा सिंपल आंसर बन जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन 28, व्हाट इज कॉल्ड इन ऑन नॉलेज फ्रॉम द जनरल नॉलेज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चे के अपने ज्ञान तो उसके साधारण ज्ञान विकास के अंतर की बोलते, ठीक है, उन्होंने की बोलते दोवे अंतर एरिया ऑफ एसटीमेट, एसटीमेशन ऑफ डिवेलपमेंट, एसटीमेशन नहीं गलत हो गया, सेंसरी मोटर गलत हो गया, फ्री मोरैलिटी गलत हो गया, बच्चे की बोलते हैं परसनल लैंग्वेज, इन की बोलते बच्चे परसनल लैंगुएज, इन की बोलते हैं परसनल लैंगुएज। क्वेश्चन नंबर 29, विच स्टेटमेंट इज, बच्चे लैक्चर लाइक अपने आप कर दिया करो, कमेंट्स जरूर कर दिया करो, सू बड़ी मोटिवेशन मिलती है, सानू दसो कि पेपर करवाइए, असं तुम उ पेपर जल्दी जल्दी टाइप करवा के तुम पेपर अपलोड कर देंगे, क्योंकि तुम्हारा पेपर बहुत आ गया जल्दी है ना, तो लैक्चर लाइक करी चलो ताकि सानू मोटिवेशन मिले। हाँ जी, विच स्टेटमेंट इज राइट अमंग द फॉलोइंग, कि स्टेटमेंट ठीक है, सोशलाइजेशन, पहला कंसैप्ट पढ़ो कि सोशलाइजेशन डिड नॉट इफेक्ट इंडिविजुअल, क्यों नहीं पाता, बहुत प्रभाव पा रहे, ये तो गलत हो गया। देयर इज अ सिमिलर इन सिविलाइजेशन इंस्पायर ऑफ दीज इज अ लॉट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन सोसाइटी,
ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗਾਇਆ ਜੀ। ਐਜ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਇਨ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਫ ਗੁੱਡ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ ਕਿ ਗੁੱਡ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਚਲੋ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਨ ਗਰਲਸ ਐਂਡ ਬੋਇਜ਼ ਆਰ ਸੇਮ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਸੇਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੈਂਡਰ ਬਾਇਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ? ਗਲਤ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੈਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 30। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੁਸ਼ਚਨ ਨੰਬਰ 30, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਮੰਗ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰਾਈਟ ਫੋਰ ਦਾ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਟਰਨਲ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਕੱਟੀ ਚੱਲੋ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦਾ ਰਿਵਾਰਡ, ਵੈਨ ਰਿਵਾਰਡ ਇਜ਼ ਗਿਵਨ ਤਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਨੋ ਪਲੇਸ, ਇਹ ਵੀ ਗਿਆ ਬੱਚੇ। ਦੇਖੋ ਨੋ ਪਲੇਸ ਆਨਸਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਪਲੇਸ ਆਫ ਰਿਵਾਰਡ। ਦੇਖੋ ਰਿਵਾਰਡ ਦੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਵਾਰਡ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਜੋਬ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਸੈਲਫ ਰਿਸਪੈਕਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਭਾਵਾਂ ਰਿਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਭਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਬੱਚੇ? ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬੜੀ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ। ਪਲੀਜ਼ ਲੈਕਚਰ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ।